राजसमंद जिले के एमडी पंचायत के नोगांव में कथित तौर पर सड़क निर्माण कार्य में लेन देन को लेकर सरपंच मांगीलाल सालवी और राजसमंद उप प्रधान सुरेश कुमार के वायरल ऑडियो के मामले ने नया मोड़ पकड़ लिया है। नोगांव में घटिया सड़क बनने और रात को ठेकेदार प्रतिनिधि द्वारा उखाड़ने को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि नोगामा में बनी सीसी सड़क में घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई। ठेकेदार पर घटिया निर्माण कर लाखों रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाने व सड़क निर्माण का भुगतान रोकने एवं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर राजसमंद पंचायत समिति के उप प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि नोगामा में घटिया सड़क का निर्माण हुआ है और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए झूठा व आधा अधूरा ऑडियो वायरल कर बेवजह उन्हें बदनाम करने की राजनीतिक साजिश रची जा रही है। जब नोगामा ग्राम में भी वर्तमान में दो सीसी सड़क का निर्माण हो रहा है, रामलाल गुजर के मकान से चावंडा माता मंदिर तक एवं मांगीलाल कुमावत के मकान से नहर पुलिया निर्माण तक दो सीसी रोडें बन रही थी, तो ग्रामीणों ने मुझे रोड के संदर्भ में मुझे अवगत कराया और बताया कि वहाँ पर जो रोडें बन रही है वो घटिया किस्म की बन रही है, उसमें शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उसमें मात्र रेती डालकर उस रोडों को बनाया जा रहा है और वो रोडें सही नहीं बन रही है। तो ग्रामीणों ने मुझे कई बार फ़ोन करने पर मैं मौके पर गया और मैंने खुद ने देखा कि वहाँ पर वास्तव में जो रोडें बन रही है वो सीसी रोड बहुत ही घटिया स्तर की है। तो इस पर मैंने सरपंच साहब को फ़ोन द्वारा अवगत कराया कि सरपंच साहब, ग्रामीणों ने कई बार सचिव सरपंच आप सभी को अवगत कराया लेकिन उस रोडों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के मैंने सरपंच साहब से बात की और उसमें मैंने कहा कि जो रोड बन रही है वो उसका जो स्तर है वो बहुत घटिया स्तर की रोडें हैं, वो रोडें आप सही तरीके से उसका काम करवाओ और काम जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने उनको ये बात कही थी, लेकिन जो मेरा ऑडियो वायरल किया है उन्होंने उस ऑडियो को राजनीतिक द्वेषतावश उस ऑडियो में तोड़ मरोड़ करके उस ऑडियो को पेश किया गया है और वो ऑडियो यानी कि एक तरह से मुझे बदनाम करने की और मेरी छवि ख़राब करने के उद्देश्य से उस ऑडियो को वायरल किया गया है।